बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा हेल्थ विद ब्यूटी। तो दोस्तों कैसे हैं आप, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आज मैं आपको जिस्म से खून की कमी को दूर करने का बहुत ही जबरदस्त नुस्खा बताऊंगी। कुछ तो पैदाइशी खून की कमी होती है और कुछ लोग किसी बीमारी की वजह से इसका शिकार हो जाते हैं। खून की कमी के बायस इंसान थका थका सा रहता है और उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, जो कि फितरी फेल है। अगर आप में खून की कमी हो गई तो ना तो आपका दिल ठीक से काम करेगा और ना दिमाग। खून की कमी को पूरा करने की बहुत सारी अद्वियात मार्केट में मौजूद हैं और इसके साथ साथ बहुत से देसी नुस्खे हैं जो खून की कमी को तेजी से पूरा करते हैं। उन्हीं नुस्खों में से एक नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करूंगी जो आपके जिस्म से खून की कमी को तेजी से पूरा करेगा। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपके दिल से शुक्रगुजार हूं। तो सबसे पहले आपने एक गाजर लेनी है, लाल वाली गाजर आपने लेनी है। बाजार में ऑरेंज वाली गाजरें भी मिलती हैं, आपने वो नहीं लेनी। अच्छी साफ सुथरी दरमियानी साइज की लाल गाजर ही आप लेंगे और छील कर छोटे टुकड़ों में काट लें। अब आपने लेने हैं खुश्क आलू बुखारे, बिरयानी वगैरह में भी ये डाले जाते हैं। आपने दो आलू बुखारों की गुठली निकाल लेनी है और गाजर के साथ डाल देनी है। अब जो चीज आपने लेनी है वो है दूध। ताजा दूध आप लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन दूध को उबाल लीजिएगा। अब ब्लेंडर में डालकर इसका जूस बना लें और ये देखें, खून बनाने का ताजा और लजीज जूस तैयार है। रोजाना आपने इस जूस को 7 दिन तक पीना है। 7 ही दिन में आप खुद फील करेंगे कि आपके जिस्म से आयरन की कमी भी पूरी होगी, थकावट भी खत्म होगी और खून भी तेजी से बनेगा और चेहरा भी सुर्ख सफेद नजर आएगा। अच्छा हाँ, इसे हामला खवातीन अपने डॉक्टर के मशवरे के बिना यूज नहीं करेंगी, क्योंकि हर एक की कंडीशन अलग अलग होती है, बाकी सब इसे यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक तो बनता ही है, कमेंट करना, वीडियो शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। चलें अब इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।